बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाया है, लेकिन जितना वो अपनी फिल्मों से पॉपुलर नहीं हुए, उतना वो अपनी निजी जिंदगी से हो गए। एक्टर का नाम यूं तो कई हसीनाओं के साथ जुड़ा, लेकिन प्यार तो सिर्फ ऐश्वर्या राय से हुआ था, जिसका खुलासा खुद एक्टर ने किया था। ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरह टूट गए थे। उसके बाद एक्टर ने कैजुअली डेटिंग भी शुरू कर दी, लेकिन इन सब के बावजूद उनका अकेलापन दूर नहीं हुआ था। आपको बताते चले कि विवेक ओबरॉय फिलहाल दो बच्चों के पिता हैं। उन्होंने 2010 में प्रियंका अलवा से शादी की थी। विवेक ओबरॉय ने इंटरव्यू में कहा कि जीवन में वह एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां वह अपने आप को गंभीर रिलेशन में नहीं रखना चाहते थे। वो आगे कहते हैं कि प्यार को लेकर मेरा अनुभव बहुत ही खराब रहा है। मुझे लगा मुझे किसी ने धोखा दिया, मुझे बहुत ही कड़वे अनुभव हुए। मैं बस कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता था। मैंने जितना कैजुअल रिलेशनशिप रखा, उतना ही मुझे अकेलेपन का एहसास हुआ। उनका ये इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस को एक्टर की बातों पर खूब इंटरेस्ट भी आ रहा है। बता दें कि विवेक ओबरॉय ने प्रियंका अलवा से 2010 में शादी की थी, जो कि कर्नाटक के मिनिस्टर जीवाराजा अलवा की बेटी हैं। उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। विवेक ओबरॉय का शादी से पहले ऐश्वर्या राय से अफेयर था। दोनों ने 2003 में ब्रेकअप कर लिया। विवेक ओबरॉय ने ऐश्वर्या राय के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान पर उन्हें धमकी देने के आरोप भी लगाए थे। ये मामला उस दौरान काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।